बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हुरैन ब्यूटी हब। चैनल पर नया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिल सके। हुरैन हाशमी के नाम से इंस्टाग्राम पर भी हूँ, मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं और DM कर सकते हैं। अगर आपका ब्यूटी से रेलिवेंट या ब्यूटी प्रोडक्ट के रिव्यू से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो मैं आंसर करने की पूरी सी कोशिश करूँगी। आज आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त फेयर लवली फेस पैक लेके आई हूँ। जी हाँ, फेयर एंड लवली वही मशहूर ज़माना करीम जो कि हम सदियों से अपने बड़े बूढ़ों को भी इस्तेमाल करते देख रहे हैं और ख़ुद भी कर रहे हैं, और एक रिलायबल जो है फेस के लिए प्रोडक्ट है। उसी के साथ फेस पैक बनाऊंगी। आप इस फेयर एंड लवली को रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं और इसका पैक भी बना के यूज़ कर सकते हैं। वेडिंग सीज़न और विंटर दोनों इकट्ठे स्टार्ट हो गए हैं और दोनों जो है ना वो केयर मांगते हैं। वेडिंग सीज़न में हम अच्छा लगना चाह रहे होते हैं, शादियाँ अटेंड करनी होती हैं, और विंटर में क्या होता है जी, बहुत सख्त स्ट्रॉन्ग हार्श मौसम जो है उसको फेस करना होता है। उसमें हमारी स्किन जो है उसको ड्राइनेस हो जाती है और रिंकल्स पड़ने के ज़्यादा वो कह लें कि चांसेस होते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा केयर देनी पड़ती है। तो आज का पैक जो है बहुत ज़बरदस्त है, आपको ना सिर्फ ग्लोई फेयर जो है वाइटनिंग देगा बल्कि आपकी स्किन को जो है वो नरिश भी रखेगा। आपने क्या करना है, बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब करना है और वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक वॉच करनी है। इंशाल्लाह ये जो इफेक्टिव फेयर एंड लवली फेस पैक है आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। छोटा सा एक मैंने बाउल ले लिया, कटोरी ले लिया, कोई भी नीट एंड क्लीन ले लें, और इसमें मैं ऐड करूँगी फेयर एंड लवली एक चम्मच, इसका फेयर एंड लवली का एक चम्मच मैं लूँगी टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ ये अभी फेस के लिए बना रही हूँ। आप इसको फेस पे, नेक पे, इवन हैंड फीट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल पैक है, ठीक है। और इसमें मैं यहाँ अप्लाई कर डाल रही हूँ जो तकरीबन एक चम्मच के करीब। आप फेयर एंड लवली जो है साशे में भी ले सकते हैं, ट्यूब या जार में भी ले सकते हैं, और इसको पैक के साथ आप फेयर एंड लवली वैसे भी अप्लाई करें तो आपकी स्किन जो है वो 1-2 टोन जो है वो लाइटर साइड पे चली जाएगी। फेयर एंड लवली के बाद जो सेकंड चीज़ है वो ड्राई मिल्क ले रहे हैं। आपके पास नीडो, एवरी डे, मोरिना का जो भी ड्राई मिल्क है वो ले लें। ड्राई मिल्क जो है ये भी हमारी स्किन को, हमारी जो फेस की ब्राइटनेस है उसको ज़्यादा करता है और हमारी जो टोन है उसको लाइट करता है, फेयरनेस के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो मैंने इक्वल क्वांटिटी में दोनों चीज़ें ले ली हैं। और अब थर्ड चीज़ जो है वो ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन का इस्तेमाल मैंने अपनी स्किन केयर रूटीन में शुरू कर दिया है जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट हो गया है। आप भी करें, बहुत अच्छा हीलिंग और रिपेयर एलिमेंट है। मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ, ग्लिसरीन को एज अ टोनर भी यूज़ करें। इसमें थोड़ा सा लीमू और रोज़ वाटर यूज़ करके, यहाँ मैंने फ्यू ड्रॉप्स जो हैं वो ग्लिसरीन के डाल लिए हैं। और अब जो फोर्थ चीज़ है वो एक्सेप्शनल है, आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं और रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसीज को बेहतर बनाने के लिए, ताकि ये एक फेस पैक तैयार हो जाए जो ज़्यादा रनी भी ना हो और ज़्यादा जो थिक है वो भी ना हो। ऐसा हो कि हमें अप्लाई करने में जो है आसानी रहे और हमारी स्किन पर जो टिका रहे 15 से 20 मिनट तक। चारों चीज़ों को डाल के इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है, मिक्स कर लेना है, बहुत ज़बरदस्त क्रीमी सा फेस पैक रेडी हो जाएगा। अब ये फेस पैक जो है आप किसी भी टाइम में, बेस्ट टाइम तो यही है कि रात को बेड पे जाने से पहले, सोने से पहले अप्लाई करें, और उसके बाद जो आप नाइट क्रीम लगाते हैं वो लगा लें। अगर नहीं भी नाइट क्रीम लगाते तो इसके बाद आप कोई सीरम लगा के सो जाएं विटामिन सी का, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ग्लो और फेयरनेस मिलेगी। यहाँ जो है फेस वॉश करने के बाद आपने अप्लाई कर लेना है, 15 से 20 मिनट तक इसको लगा रहने देना है। इक्वली इवनली लगाया करें फेस पैक जो भी होते हैं वो नेक पर और फेस पर, नेक की फ्रंट साइड पे भी लगा लेते, अक्सर वो बैक साइड को हम भूल जाते हैं तो फिर हमें पीछे से जो है लाइन और ब्लैकनेस जो है ना वो गर्दन की जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो आगे और पीछे गर्दन के इक्वली अप्लाई किया करें। अप्लाई करने के बाद 20 मिनट के बाद आपने कर लेना है इसको वॉश, और फर्स्ट टाइम की यूज़ से देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना ज़बरदस्त फेस पैक यूज़ किया है। ग्लो आएगा स्किन पे, नीट एंड क्लीन और गोरी चिट्टी लगेगी। मैंने तो हाथ पे अप्लाई किया और हाथ पे अप्लाई करने से ही आपको वाज़ा फ़र्क नज़र आ रहा होगा, तो फेस पे अप्लाई करने से इंशाल्लाह बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आएंगे।
सो आपने क्या करना है, वीडियो अगर पसंद आ गई है तो इसको यार लाइक कर दिया करें, लाइक करना भूल जाते हैं आप, और इसको वीडियो को आपने शेयर भी करना है, और चैनल पर नया तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। ये फेस पैक बहुत इफ़ेक्टिव फेस पैक है, ब्राइड्स इसको स्पेशली यूज़ कर सकती हैं अपनी स्किन को लाइट करने के लिए, ख़ुद को गोरा चिट्टा करने के लिए। सो टेक केयर योर लव वंस, अल्लाह हाफिज़।